प्रश्नावली 8.3 प्रश्नावली 8.3 पहला नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। इन सब का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, पहला नंबर क्या हुआ है, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर का एक नंबर क्या दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री है। ठीक है, ध्यान दो, इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखो, साइन 18 डिग्री है और ये कोस 72 डिग्री है। याद करो, 18 डिग्री और 72 डिग्री कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो हम साइन को बदल देंगे या कोस को बदल देंगे, किसी एक को बदल देंगे। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, ये जो साइन 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री घटा 72 डिग्री। कोई परेशानी है क्या, याद करो। देखो, 90 डिग्री में से 72 डिग्री चला गया, 90 में से जब 72 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 18 डिग्री। यानी कि ये 90 घटा 72 क्या है मेरा, 18 डिग्री है। ये साइन 18 डिग्री है, ये भी क्या हो गया मेरा, साइन 18 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चलाएंगे। देखो, साइन 90 माइनस थीटा समझो, ये क्या है, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। जब इस तरह से रहे साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है कोस थीटा, ये थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो हम इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे, तो साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना, 72 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 72 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद कोस 72 डिग्री है नीचे में, तो कोस 72 डिग्री। अब देखो, ऊपर भी कोस 72 डिग्री है, नीचे भी कोस 72 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, यानी कि ये हुआ साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का जो मान आया वो कितना आया, एक आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। देखो, ये भी वैसा ही है जैसे इसको हम लोगों ने बनाया, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। क्या करना है, देखो 26 और 64 कितना होता है, 90 होता है। यानी कि हम किसी एक को चेंज कर देंगे, चाहे तो नीचे वाला चेंज कर दो या ऊपर वाला चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेन 90 घटा 64 लिखेंगे, तो 90 में से 64 चला जाएगा, 26 हो गया। यानी कि टेन 90 माइनस 64 कितना है, टेन 26 डिग्री। तो ये टेन 26 डिग्री हो गया। अब उसके बाद नीचे कोट 64 डिग्री है, याद रहे ये 90 घटा 64 का मतलब 26 डिग्री, यानी कि ये जो ऊपर में है टेन 26 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो लिखेंगे कोट और थीटा मेरा 64 है, तो 64 डिग्री बटा में कोट 64 डिग्री है, तो कोट 64 डिग्री लिख लो। अब देखो, ऊपर भी कोट 64 डिग्री और नीचे भी कोट 64 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, यानी कि टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री का मान भी हमारा निकला कितना, एक निकला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में है कोस 48 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, 48 डिग्री और 42 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, चाहे तो कोस को चेंज कर दो या साइन को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो कोस को ही चेंज कर देते हैं, कोस 90 घटा 42 लिखेंगे, तो कोस 90 घटा 42, 90 में से 42 चला गया, कितना बचा, 48 ही बचा, मतलब ये कोस 48 डिग्री ही है, यहाँ कोस 48 डिग्री है, तो हमने इसको भी कोस 48 डिग्री ही लिखा। बस लिखने का जो तरीका है वो अलग है, यहाँ सिर्फ 48 डिग्री है, यहाँ हमने 90 घटा 42 डिग्री लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत।
आगे चलते हैं, साइन 42 डिग्री है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा मेरा 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो साइन 42 डिग्री प्लस में और साइन 42 डिग्री माइनस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, जीरो। दोनों कट के क्या हो गया, जीरो, यानी कि तीसरा का जो आंसर आया वो जीरो आया। मतलब कोस 48 डिग्री में से यदि साइन 45 डिग्री को घटाएंगे तो वो कितना मान आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। आगे चलते हैं चौथा नंबर, देखो यहाँ जगह है तो हम लोग यही बना लेते हैं चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर यहाँ बना लेते हैं। तीसरा नंबर हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बनाएंगे चौथा। चौथा में क्या है, कोसेक, कोसेक 31 डिग्री घटा सेक 59 डिग्री। देखो ये भी वही है, 31 डिग्री और 59 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कोसेक को हम यदि चेंज कर दें तो कोई दिक्कत, चाहे सेक को चेंज करो या कोसेक को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम कोसेक को ही चेंज करेंगे, कोसेक को हम लोग 90 घटा 59 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 90 में से 59 चला जाएगा तो 31 हो गया, यानी कि कोसेक 31 डिग्री हो गया ये। उसके बाद ये सेक 59 डिग्री, और हम जानते हैं कोस 90 घटा थीटा, इसको थीटा बोलेंगे, कोसेक, सॉरी कोस नहीं है, कोसेक है, कोसेक 90 घटा थीटा बराबर होता है सेक थीटा। हम लिखेंगे सेक थीटा मेरा 59 डिग्री है, तो 59 डिग्री घटा ये सेक 59 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इतना लिखने के बाद हम आगे देखेंगे, ये सेक 59 डिग्री माइनस में और ये सेक 59 डिग्री प्लस में, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया, कट के क्या बचेगा, जीरो। यानी कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो आएगा जीरो आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।